शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम मुकेश अग्रवाल के कातिल नहीं। जवाब देते देते मैं थक गया। सोचता था कि कोई है जो मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसका इस हाथ से जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। अभी आपको पाप का नहीं, क्रॉस का बोझ उठाएगा। मिस्टर करण, मेरे पास सपना की बेगुनाही के पक्के सबूत हैं, जो मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन है आप? ये जानने के लिए आप अकेले कुरला कंटेनर यार्ड में पहुँच जाइए, वहाँ मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन है तू? किसने भेजा तुझे यहां? बोल। बताता हूं, मैं जोरा, मालिक ने मुझे भेजा है। कौन मालिक? उसकी शक्ल नहीं देखी कभी, वो सिर्फ टेलीफोन पर ही सुपारी देता है। आज उसने तुम्हें यहां और सपना को जेल में खलास करने की सुपारी दी थी, तुम तो बच गए, पर वो नहीं बचेगी। नहीं कर सकते।
चाले। सपना प्लीज मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, पहले मुझे इनसे पीछा छुड़वाने दो। सपना लिसन टू मी, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। हमें यहीं कहीं छुपना पड़ेगा। करण, करण छोड़ दो मुझे। भरोसा करो सपना। करण प्लीज छोड़ दो मुझे। तो फिर जाओ, जो करना चाहती करो, पर मेरी भी एक बात सुन लो सपना, तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो। कितनी बार कहूं, मैं ही मुकेश अग्रवाल की कातिल हूं और बड़ी से बड़ी अदालत में कुबल भी कर चुकी हूं। कितनी बार कहूं। देखो देखो, मैं जान चुका हूं कि तुम मुकेश अग्रवाल की कातिल नहीं हो और मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर सकता हूं। बस अब और किसी फरेब की जरूरत नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज। सपना मैं तुमसे प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा। I mean it. सपना मैंने जो किया था वो मेरा फर्ज था और फर्ज कानून के सहारे चलता है। मैं मानता हूं कि कानून कभी कभी सच्चाई को नहीं देख पाता। जरा सोचो, जब से तुम्हारी मैंने फाइल रीओपन की है तब से कोई तुम्हारे और मेरे पीछे मौत बनकर घूम रहा है, जिसका सबूत है तुम पर जेल में और मुझ पर कंटेनर यार्ड में जानने का हमला। मेरे लिए बस इतना ही काफी कि तुम बेगुनाह हो, कातिल कोई और है सपना। अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इतना समझ लो, अगर मैं तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सपना, असली कातिल को पकड़ने में तुम मेरी मदद करोगी? एक्सक्यूज मी, फिटिंग रूम का है? दिस इज सर। थैंक यू। तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर। तमाम न्यूज़पेपर्स और डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देते देते मैं थक गया हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं आपकी परेशानी समझता हूं। करण को अगर मैंने बेटे की तरह समझा है तो आपने भी कभी उसे बेटे से कम नहीं समझा। यही तो दुख है सर, रिश्ते विश्वास दोनों को धोखा दे गया वो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की की खातिर करण ऐसा भी कर सकता है। मेरी दी हुई शिक्षा आज व्यर्थ हो गई। अगर दो दिन के अंदर करण अरेस्ट नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन शूटेड साइट के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। आप अपना कर्म कीजिए, कानून अपनी जगह है, जज्बात अपनी जगह। सोचता था कि कोई है जो मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि देगा, लेकिन आज करण ने वो अधिकार गवा दिया।
सर यहाँ कोई नहीं। सर यहाँ पर भी कोई नहीं है। चलो करण। आखिर कब तक तुम इस तरह मेरे साथ भागते रहोगे? कहाँ तक भागोगे? जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वहां तक। जहां जमीन और आसमान मिलते हैं वो मिलन नहीं, नजरों का एक धोखा है। इसी तरह इस जन्म में तुम्हारा और मेरा मिलन भी एक धोखा है, एक ख्वाब है करण। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो करण। कैसे छोड़ दो सपना? क्योंकि तुम्हें इस हाल में लाने वाला और कोई नहीं, मैं हूं। मेरी मंजिल मौत है करण। और मैं उस मौत को जिंदगी में बदलने की कसम खा चुका हूं सपना। आई लव यू करण, आई लव यू। आई एम हेल्पलेस। करण और सपना जहां भी दिखें उन्हें गोली मार दी जाए। चारों तरफ नाकाबंदी है, बस ये एक समुद्र का रास्ता है जो हमें लेक तक पहुंचा सकता है। क्या भाड़े करें हम लोग? अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इन लोग निकल गए, चलो। यही वो जगह है? हाँ करण, जगह तो यही है। हाँ, इस झाड़ी के आसपास, यहाँ से मैं हाँ करण, ये लगता है यही कहीं जब मैं पानी भर रही थी उसके साथ पानी में गिर गई थी। मेरा जैकेट संभालो, मैं ही अंदर जाके देखता हूँ। बी केयरफुल करण। किसी अपाहिज का नकली पांव, झील के तरी में फंसा हुआ था। मगर इस पांव का हमसे क्या संबंध है? सपना, तुम्हारा हादसा यहाँ हुआ और ये नकली पांव भी यही मिला। मुझे तो लगता है कि जिसका ये नकली पांव है उसका इस हादसे जरूर कोई ना कोई संबंध होगा। हमें इस अपाहिज को ढूंढना होगा। मगर ये सब कैसे कर? इस शहर में नकली अंग बनाने वाली एक ही फैक्ट्री है। ये कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, यही नंबर हमें वहां तक पहुंचाएगा। चलो उसका नाम और एड्रेस होगा। नंबर क्या है? नंबर 7127216876917024271153712117121754712671761। जॉन डिसूसा। मौत के सौदागर जॉन डिसूजा आओ। नहीं सर, अभी आप उन सिर्फ जॉन डिसूजा है, सिर्फ जॉन डिसूजा।
अब अपन सारा खोटा काम छोड़ दिया है। गॉड प्रॉमिस। फादर जोसेफ बोलता है जो सच्चा मन से कन्फेशन करेगा गॉड उसका सारा गुनाह माफ करेगा। लेकिन जॉन अपने धंधे का क्या होगा? नहीं सर, नहीं, नहीं। अभी अपन पाप का नहीं क्रॉस का बोझ उठाएगा। फादर जोसेफ का सामने कन्फेशन करके अपन अपना अखा गुना कबूल करेगा। अखा गुना। थैंक यू। चलता है सेठ। यस, ये तुम्हारा ही है जॉन डिसूजा। अपुन का नहीं, अपुन तो वैसा ही यूज करता है। पर तुम लोग कौन, इधर कैसे समय आया? ये जानने के लिए कि तुम्हारा ये नकली पांव झील में क्यों और कैसे फंस गया था। झील में पांव फंस गया था? ये क्या बात करता मैन, हमको फंसाना मांगता है। होल्ड इट सपना, होल्ड इट। इसका इस तरह भागना ये तो साबित कर देता है कि ये कत्ल में कहीं ना कहीं जुड़ा है। यस। फादर, फादर, आप ठीक बोलता है, आप ठीक बोलता है फादर। पाप इंसान का चैन छीन लेता है, कितना ही भागो पर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। फादर, फादर, अपन अपन कन्फेशन करना मांगता है। थैंक यू फादर। फादर, अपन बहुत गंदा गिरेला आदमी, मरने का वास्ते बहुत पाप किया फादर। चोरी किया, रॉबरी किया, सुपारी लेके मर्डर किया और हर बार कानून को धोखा देकर भाग निकला फादर। पर अब अपन भागते भागते भाग गया फादर। छोड़ू तेरे को, छोड़ू। छोड़ना नहीं, मैं मर जाऊंगा, छोड़ना नहीं। अगर तू मरना नहीं चाहता तो साफ साफ बता, तूने जॉन डिसूजा का खून क्यों किया? क्योंकि उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। सच बोलो तो छोड़ दूंगा। सच बोल रहा हूँ। यानी कि तू सच नहीं बोलना चाहता? बोल, सच बोलता है, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। बोल, बोल। दादा, भगवान के लिए छोड़ना नहीं, बता। बोल बोल। मैं सपना की जायदाद का वारिस बनना चाहता था, इसलिए मैंने जॉन डिसूजा को सपना को मारने के लिए सुपारी दी थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुकेश अग्रवाल के झूठे कत्ल का इल्जाम सपना पे लग गया है तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि मेरा काम खुद ब खुद होने लगा था। फिर हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, अचानक मुझे पता चला कि जॉन डिसूजा इस चर्च के प्रीस्ट पादरी की बातों में आकर प्रायश्चित करना चाहता था। मेरा पूरा बना बनाया काम बिगड़ने वाला था, तो मैंने जॉन डिसूजा को मार डाला। मुकेश अग्रवाल के कत्ल में तेरा क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं मेरा। सच सच बोल। नहीं, कोई हाथ नहीं मेरा। उस हादसे के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब सपना और जॉन डिसूजा उस झील में से निकल रहे थे तो उसी टाइम पे झील के उस पार मैंने किसी को जीप को झील में ढकेलते हुए देखा था। हाँ। हेलो सर, मैं करण बोल रहा हूँ। सर, मैंने मोनिश को रंगे हाथों पकड़कर ऐसा सबूत हासिल किया है जिससे सपना निर्दोष साबित हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे पूरा भरोसा था करण कि तुम सपना को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, तो कहां से बोल रहे हो? सर, ऑरेंज चर्च के पास से बोल रहा हूँ। सर, मोनिश को यहीं चर्च में बांध के रखा है, मैं झील पे जा रहा हूँ, आप इसे यहाँ से अरेस्ट करवा लीजिए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ।
मिला? ले लीजिए, जीप है, कोई खास नहीं, बस एक बटन और ये थॉर। क्या है? ये देखो, क्या तो कुछ कागज है, यहाँ से कुछ कागज। ये कागज मुकेश अग्रवाल ने रखी होगी, इसमें तो कुछ लिखा है, टॉर्च देना। 15 अगस्त को झंडा फिराते समय मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई है। उस साजिश में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये पानी की वजह से सब पेपर इतना गल गया है कि आगे पढ़ा नहीं जा रहा। करें, 15 अगस्त तो परसों ही है। ओह माय गॉड, कैसे भी करके आईजी साहब तो पहुंचना बहुत जरूरी है। चलो, कब तक पुलिस से बचते रहेंगे हम? सर, अरे आप, सर आप यहाँ मोनिश अरेस्ट हो गए सर? मोनिश हमारी हिरासत में, और उसके जबानी हमें ये पता चल गया कि सपना बेकसूर है। मेरे ख्याल से कातिल वही है जिसने जीप झील में फेंकी थी। सर, मैंने झील में वो जीप ढूंढ ली है। क्या? ये सर। कोई सबूत मिला? सर, कातिल का कोई खास सबूत तो नहीं मिला, लेकिन ये पर्चा मिला है। सर, पर्चे में लिखा है कि 15 अगस्त को झंडा फिराते समय मुख्यमंत्री जी की हत्या करने की साजिश की गई है, और इस साजिश में आगे सब पानी से धुल चुका है। आप इसे लेबोरेटरी भिजवा दीजिए ताकि जो धुले हुए अक्षर हैं वो हम जान सकें। करण, तुमने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। वेल डन माय बॉय। थैंक यू सर। देखो करण, मैं तो जानता हूं कि तुम दोनों निर्दोष हो, लेकिन ये साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तब तक तुम दोनों को कानून से छुपकर रहना होगा। इज राइट। यस सर। फार्म हाउस चले? फार्म हाउस? हाँ, पास में ही है। ओके, लेट्स गो। कम, यस सर, कम।